हाजिर हूँ और बात करूंगी कठुआ कांड में लेकर एक बड़े यूटर्न को। जी हाँ, आरोपी सांझीराम और उसका बेटा विशाल जंगोत्रा लगातार इस मामले पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दूं इसके साथ ही कि पठानकोट कोर्ट में केस को लेकर सुनवाई का दौर चल रहा है। लेकिन आप इसी के साथ दो बड़ी अपडेट सामने आई हैं। मैं पहले आपको अपडेट से रूबरू कराती हूँ कि पहली अपडेट ये है कि आरोपी विशाल जंगोत्रा घटना के दिन, यानी कि जो वो कह रहा था कि उसने एग्जाम दिया था, लेकिन वो एग्जाम के दिन उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में मौजूद था। इसके अलावा अब दूसरी बड़ी अपडेट की बात करती हूँ, जिस अपडेट को लेकर कहीं ना कहीं अब पता चल रहा है बीजेपी की नियत का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व नेता जिनका नाम है मास्टर मोहन लाल, वो कठुआ रेप और हत्याकांड में आरोपियों की पैरवी करेंगे। जी हाँ, नेता मास्टर मोहन लाल शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रह चुके हैं, अब वो आरोपी सांझीराम और विशाल जंगोत्रा का केस लड़ेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में 8 आरोपी हैं, लेकिन सांझीराम और उसके बेटे विशाल का ही वो केस लड़ेंगे। और उससे बड़ी बात कि वो कोई फीस नहीं लेंगे, एक पैसा वो वसूल नहीं करेंगे और अपने मुवक्किलों को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पठानकोट जिला और सत्र तेजविंदर सिंह की कोर्ट में मुकदमे की पैरवी करेंगे मास्टर मोहनलाल। और ऐसे में मास्टर मोहनलाल ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भले ही वो बीजेपी से जुड़े रहे थे एक वक्त, लेकिन इस मामले को पॉलिटिकल यानी सियासी तरीके से नहीं देखना चाहिए। उनके पास आरोपियों ने यानी कि सांझीराम और विशाल की तरफ से इस बात की दरख्वास्त की गई थी कि वो उनका केस लड़े, तो अब वो उनका केस लड़ेंगे मास्टर मोहन लाल। अब बीजेपी की नियत का पर्दाफाश मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको लगातार इसमें ये जानकारी हमने दी है कि जिस तरह से कठुआ कांड सामने आया था और उसमें बीजेपी के दो नेताओं की कुर्सी चली गई थी, दो विधायकों की, जिसमें नाम है चंद्र प्रकाश गंगा और लाल सिंह का। लाल सिंह हालांकि लगातार सीबीआई जांच की मांग को लेकर, जब महबूबा मुफ्ती वहां पे मुख्यमंत्री थी, उनके खिलाफ सुर बुलंद करते रहते हैं और उसके बाद भी वो लगातार जो बातें कर रहे थे कि सीबीआई मांग को लेकर उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह ने उनके काम को सराहा था कि आप जो भी डोगरा समुदाय के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लड़ते रहिए, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसी केस को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को आका गया कि कहीं बीजेपी का साथ आरोपियों के साथ तो नहीं है, क्योंकि मैं कविंद्र गुप्ता का जिक्र करूं, जब वो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली थी, हालांकि अब वो वहां पर डिप्टी सीएम नहीं रहे, तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को लेकर इशारे में कहा था कि कठुआ कांड की सीबीआई जांच हो सकती है। वही निर्मल सिंह, उन्होंने भी इशारों में कहा था कि अगर कठुआ कांड की सीबीआई जांच होती तो शायद आज ये केस इतना पेचीदा नहीं होता। तो जिस तरह से बीजेपी के नेता इस मामले पर बोल रहे थे और अभी भी उनके बयान सामने आते हैं, उससे तो इसी बात की आशंका और संकेत साफ मिलते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कठुआ कांड में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। और इसी वजह से और जिस तरह से बीजेपी के अब इन पूर्व नेता का नाम, जिनका नाम है मास्टर मोहन लाल, इनका जुड़ा है, इससे पता चल गया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है इस केस में बहुत हद तक इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि स्पष्ट तौर पर नहीं है, खुले तौर पर नहीं है, लेकिन हाँ जरूर है। हालांकि जो मास्टर मोहन लाल है उन्होंने बोल दिया है कि बीजेपी से इसको जोड़कर नहीं देखना जाना चाहिए और मेरे पास इस बात के लिए एक उन्होंने मुवक्किलों ने बात कही थी कि उनका केस लड़ूं मैं, तो मैंने हामी भर दी है और बिना फीस के वो केस लड़ेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आखिर मास्टर मोहन लाल का इतना मास्टर मोहन लाल ही क्यों, तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि पठानकोट और कठुआ क्षेत्र में इनका काफी प्रभाव है, ये प्रभावशाली शख्स हैं और इसीलिए इनसे अप्रोच की गई है केस लड़ने के लिए। और ऐसे में सांझीराम और विशाल का केस लड़ेंगे अब भाजपा के पूर्व नेता मास्टर मोहन लाल, जो कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन में ट्रांसपोर्ट मंत्री रह चुके हैं एक वक्त। अब सवाल ये उठता है कि क्या मास्टर मोहन लाल जिस तरह से केस से जुड़े हैं, भले ही वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का नाम ना जोड़ा जाए, इसको सियासी तूल ना दिया जाए, इसको सियासी तरीके से ना देखा जाए, क्योंकि मैं अपने हिसाब से केस लड़ूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सांझीराम और विशाल जंगोत्रा को छुड़वा लूं, लेकिन बीजेपी के पूर्व नेता ही क्यों और पार्टी के नेता क्यों और पार्टी के नेता क्यों नहीं, सवाल बार बार इसी उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का
हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ कनेक्टिविटी बताई है कि राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई थी अमित शाह से, अमित शाह ने उनको सराहा था। इसके अलावा और भी कविंद्र गुप्ता, निर्मला सिंह के बयान सामने, सिर्फ बीजेपी ने इस ओर मुखर क्यों किए। लाल सिंह ने बकायदा रैली निकाली थी, स्वाभिमान रैली, सोचिए उन्होंने हिंदू एकता मंच से रैली को संबोधित किया था। तो सोचिए किस तरह से बीजेपी के ही तार जुड़ रहे हैं और किसी पार्टी के तार क्यों नहीं जुड़े। हालांकि कांग्रेस को भी मैं बोलना चाहूंगी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर पे कैंडल मार्च किया था, लेकिन ये बताइए उन्होंने इसके बाद शायद उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया, ना ही राहुल गांधी का सामने आया कठुआ कांड पे, और ना ही कांग्रेस के कई और आला नेताओं के बयान सामने आए जो कि हमेशा महिलाओं के मुद्दे पर स्वर मुखर करते हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन उनका कोई बयान सामने नहीं आया। फिलहाल अब जिस तरह से आरोपी सांझीराम और विशाल का केस लड़ेंगे नेता मोहन लाल, अब देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं। और केस जो है पठानकोट केस में चल रहा है, पठानकोट कोर्ट में चल रहा है ये पूरा मामला, अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या तब्दीली हो सकती है। इसके साथ ही जाते जाते आपको एक और बात की जानकारी ये दे दूं मैं कि मोहन लाल ने जब आरोपियों की शिकायत आई थी, जब सांझीराम और की शिकायत आई थी कि उनको ना खाने के लिए खाना मिला था और ना सोने के लिए बिस्तर मिला था, जब उनको गुरदासपुर जेल शिफ्ट किया गया था कठुआ से, तब उन्होंने शिकायत की, तब मोहन लाल जेल का मुआयना भी करने गए थे। यानी कुछ तो बात है अंदर खेमे में जिसकी अभी पर्देदारी की जा रही है। क्या कुछ है इसकी पर्देदारी के पीछे की सच्चाई क्या है, जैसे ही हमारे सामने आएगी हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कठुआ कांड से जुड़ी ये थी बड़ी अपडेट, कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।